शुरुआत करेंगे खास बुलेटिन की। बीजेपी संसदीय दल की मंगलवार को संसद भवन परिसर में हुई बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस बैठक में सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रियों और सांसदों ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों को जनता के बीच जाकर विपक्ष के झूठ को उजागर करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी नहीं बीजेपी की चिंता ज्यादा रहती है। एक साथ तीन राज्यों बंगाल, असम और केरल का चुनाव हारने और लगातार जनाधार खिसकने के बावजूद कांग्रेस की नींद नहीं टूट रही है। प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों को कोरोना काल में जनसेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। उन्होंने कोविड की तीसरी लहर को लेकर भी सांसदों को अलर्ट करते हुए जमीन पर कार्य के लिए भी प्रेरित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि तीन राज्यों में लगातार चुनाव हारने के बावजूद, जनाधार खोने के बावजूद भी कांग्रेस की नींद नहीं टूट रही है। कांग्रेस लगातार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को अपनी नहीं सिर्फ बीजेपी की चिंता है। जो सच है वो बीजेपी जनता तक पहुंचा रही है और जो झूठ का भ्रम है वो कांग्रेस लगातार जनता तक फैला रही है, लेकिन ये निर्भर करता है जनता पर कि जनता को 70 साल जो बीते हैं वो देखने हैं कि ये जो 7 साल हैं जो बीजेपी की सरकार के हैं वो देखने हैं। इन 7 सालों में बहुत कुछ बदला है और बीते 70 सालों में लगातार कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। देश भर में मंगलवार से जेईई मेंस की परीक्षाओं का तीसरा सत्र शुरू हो गया है। ये परीक्षाएं 20 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई तक चलेंगी। इस दौरान 7,09,529 छात्र ये परीक्षा देंगे। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कोरोना को देखते हुए इस बार ये परीक्षाएं 334 शहरों में करवाई जा रही है, जबकि पहले ये परीक्षाएं 232 शहरों में ही आयोजित की जानी थी। ये परीक्षा 8 शिफ्टों में सुबह 9 से 12, दोपहर 3 से 6 बजे तक 2 पालियों में आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को उनके घर के समीप परीक्षा केंद्र आवंटित करने की योजना अपनाई गई है, जिसके कारण इस बार पहले से ज्यादा 334 शहरों में ये परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विशेष प्रबंधन किए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर साधना पराशार ने बताया है कि इस बार हर शिफ्ट के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। हर शिफ्ट में परीक्षा केंद्रों की संख्या 660 से बढ़ाकर 828 कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस बार क्षेत्रीय भाषाओं में भी जेईई की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। देश का कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में परीक्षा देकर इंजीनियरिंग कर सकता है। इस बार 13 विभिन्न भाषाओं में जेईई परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। तो बहुत बड़ा मौका है ये जेईई के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए परीक्षाएं रखी गई हैं। 13 भाषाओं में जेईई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आपको बता दूं कि कई सेंटर्स बनाए गए हैं, 2 शिफ्टों में परीक्षाएं होंगी अलग अलग पालियों में। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट्स में सरकार की किसी भूमिका से सख्त इनकार कर दिया। कथित जासूसी मामले में मॉनसून सत्र के लगातार दूसरे दिन हंगामे के बाद सदन स्थगित होने पर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि आईटी मंत्री पहले ही इस मामले में बयान दे चुके हैं। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में मंगलवार को दूसरे दिन भी पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे और राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। और ये मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिनों से लगातार इस मुद्दे को मॉनसून सत्र के दौरान सदन में उठाया जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है इस मुद्दे को लेकर, वहीं सरकार जो है अपने आप को पूरी तरह से सही साबित करने की कोशिश में जुटी हुई है। सरकार की किसी भूमिका से सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया है। पेगासस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले ही कानून मंत्री इस पर अपना बयान दे चुके हैं। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है और लगातार बीजेपी जो जनता है उसके हित में काम कर रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस या तमाम जो विपक्षी दल हैं वो नहीं चाहती कि जनता का भला हो।
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल में अब नेतृत्व परिवर्तन के कयास लगने लगे हैं। पार्टी प्रमुख और संस्थापक लालू प्रसाद के चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद वो अब तक बिहार नहीं पहुंच पाए हैं। इस दौरान कहा भी जा रहा है कि उनकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं है। ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि राजद के कमान तेजस्वी यादव को सौंपी जा सकती है। लालू प्रसाद के नजदीकी माने जाने वाले और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह के दिल्ली जाकर राजद प्रमुख से मिलने के बाद इसकी चर्चा अब और ज्यादा गर्म हो चुकी है। तेजस्वी यादव को भी सोमवार को दिल्ली तब बुलाया गया जब महंगाई के विरोध में राजद कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम का खुद नेतृत्व भी कर रहे थे, लेकिन दिल्ली बुलाए जाने पर वे दिल्ली रवाना हो गए। जगानंद सिंह और तेजस्वी के दिल्ली पहुंचने के बाद राजद के अंदर खाने से जो खबरें चलकर आ रही हैं, उसके मुताबिक राजद में अब लालू युग की समाप्ति होने वाली है और तेजस्वी युग की शुरुआत हो सकती है। हालांकि राजद के नेता इसको लेकर कुछ खास बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी से इसके कयास लगने तैयार हो चुके हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिस तरह से चारा घोटाले में फंसे थे उसके बाद उनकी तबीयत भी नाजायज रहती है। तो ऐसे में अब ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि लालू युग की समाप्ति होगी और तेजस्वी युग का अब आरंभ होने जा रहा है। पार्टी की जो कमान है वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव को सौंप दी जाएगी। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव लगातार युवा चेहरा है, युवाओं में खासा वो प्रसिद्ध है बिहार में। लगातार तमाम मुद्दों को लेकर वो ट्विटर पर हमलावर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर वो आवाज भी उठाते हैं। जनता के बीच में एक खासा जगह उनकी है और खासा पॉपुलर देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर जो पार्टी की कमान है यानी कि राजद की जो कमान है वो अगर तेजस्वी यादव के हाथों में जाती है तो एक अच्छा खासा राजद के पास मौका हो सकता है। अगर 2020 की हम बात करें, जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो तेजस्वी यादव को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। केरल में बकरीद के मौके पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केरल सरकार को व्यापारियों की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने की मांग के आगे आत्मसमर्पण करते देखना हैरानी भरा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केरल को साफ कहा है कि वो बकरी ईद के मौके पर भी कांवड़ यात्रा को लेकर शीर्ष न्यायालय के आदेश का पालन करे। सोमवार को इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब भी मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम केरल सरकार को निर्देश देते हैं कि वो संविधान के अनुच्छेद 21 और 144 को ध्यान में रखें और कांवड़ यात्रा केस को लेकर दिए हमारे आदेश का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह का दबाव नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई अनचाही घटना होती है तो कोई भी नागरिक शीर्ष न्यायालय को इसकी जानकारी दे सकता है और इसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते ही कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा के आयोजन पर पुनर्विचार करने को कहा था, जिसके बाद राज्य में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई बंद कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार पर पूरी तरह से सख्त नजर आया है और सख्त लहजे में कह दिया है कि केरल सरकार पूरी तरह से बकरीद के मौके पर खासा ध्यान रखे और कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करे। धर्म से पहले जीवन है, तो ऐसे में ढील नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर ढील दे दी गई तो फिर काफी ज्यादा संक्रमण बढ़ सकता है। केरल में पहले ही मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट यहां पर 3% से ज्यादा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा का हवाला देते हुए केरल सरकार को जमकर फटकार लगाई है, क्योंकि यूपी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को परमिशन दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई सरकार को तो सरकार ने इस फैसले को बदला और कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में अब नहीं होने जा रही है, ना ही उत्तराखंड में होगी। तो ऐसे में बकरीद पर भी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। सोशल गैदरिंग होगी तो संक्रमण तेजी के साथ बढ़ेगा। केरल में मामले वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन में छूट अच्छी बात है, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद है और किसी को लगता है कि यहां पर कुछ गलत हो रहा है या फिर कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो वो सीधे जानकारी दे सकता है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य लोग इसराइल के पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके जासूसी के संभावित लक्ष्यों में से एक थे।
इसे देखते हुए कांग्रेस ने इस मसले पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की योजना बनाई है। पार्टी ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का फैसला किया है। राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए कम से कम 2 मोबाइल फोन अकाउंट इजरायली निगरानी प्रौद्योगिकी विक्रेताओं NSO समूह एक मीडिया हाउस के एक आधिकारिक भारतीय ग्राहक द्वारा संभावित लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध 300 सत्यापित भारतीय नंबरों में शामिल थे। कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाइयों को विरोध दर्ज कराने के लिए राजभवन की ओर मार्च करने को कहा है। इसके साथ ही वो हर राज्य की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। संसद में पार्टी ने राज्यसभा में KC वेणुगोपाल और लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। सोमवार को कांग्रेस ने कहा कि क्या देश के आंतरिक सुरक्षा के प्रभारी गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पूरी जांच की आवश्यकता नहीं है? ऐसे तमाम सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और ये मुद्दा लगातार बीते 2 दिनों से यानी कि मानसून सत्र के पहले दिन और आज भी इस मुद्दे को उठाया गया है, भुनाया गया है और सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। हालांकि इसको लेकर लगातार जांच की बात भी सामने आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर हम जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि किस तरह से देश की जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र यहां पर राहुल गांधी ने किया है कि इनकी जवाबदेही है, इन्हें जवाब देना चाहिए क्योंकि लगातार यहां की जो सुरक्षा है वो इसराइल पहुंच रही है, इसराइल की जो एजेंसी है वहां पहुंच रही है, जिससे हमारी जो चीजें हैं जो सार्वजनिक की जा रही हैं, तो ऐसे में ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि सिर्फ विपक्ष मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से खरी उतरती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज और आने वाले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने मुंबई कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। सोमवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर में रविवार की तुलना में आधा मीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। सोमवार को हुए बारिश के कारण ITO रिंग रोड, मथुरा रोड सहित कई मार्गों पर जलभराव हो गया, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं पुल प्रधानपुर में जलमग्न रेल अंडरपास में सेल्फी लेते वक्त एक व्यक्ति की डूबने से मौत भी हो गई है। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने उसे सूचित किया कि व्यक्ति जलमग्न रेलवे अंडरपास का वीडियो बनाने और सेल्फी लेने गया था। मृतक की शिनाख्त रवि चौटाला के तौर पर की गई। यातायात पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि अंडरपास में जलभराव के कारण दक्षिण पूर्वी दिल्ली में पुल प्रहलादपुर खंड पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से एक भूमिगत पार्किंग स्थल में पानी भर गया, जिसमें महंगी कारें, बाइक, ऑटो रिक्शा समेत करीब 400 गाड़ियां डूब गई। उपनगरीय कांदिवली में ठाकुर कॉम्प्लेक्स में मुंबई नगर निकाय के इस पार्किंग स्थल का निर्माण कराया गया था। वहीं रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सोमवार को कहा है कि 12 जुलाई तक पिछले 15 दिनों से मॉनसून की सुस्ती ने फसल वर्ष 2021 से 22 जून से जून में खरीद फसलों की बुआई की गति को प्रभावित किया है। लेकिन अब जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, इससे फिर से फसलों को नुकसान हो सकता है। जलभराव की स्थिति बनी हुई है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी की पेट्रोनमेट्री पार्टी की बैठक के दौरान कोरोना वायरस महामारी को लेकर सरकार पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, पहले जब महामारी होती थी तब लोग बीमारी से कम और भूख से ज्यादा मरते थे, लेकिन हमने किसी को भूखा नहीं रहने दिया और 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन दिया है। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को सलाह दी है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सांसदों से कहा है कि सत्य यानी सरकार के काम को जनता तक पहुंचाइए। सत्य को जनता तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना वायरस हमारे लिए राजनीति नहीं बल्कि मानवता का विषय है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बीजेपी सांसदों को ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सच है वो जनता तक पहुंचाइए, हमारी प्राथमिकता है कि हर किसी तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, ना कि हमारा मकसद इस मुद्दे पर राजनीति करना है। हम इस मुद्दे पर राजनीति करना नहीं चाहते क्योंकि ये जो विषय है वो राजनीति का नहीं है बल्कि मानवता का है। पहली बीमारियां होती थी तो लोग भूख से तड़पते थे, लेकिन अब हमने मुफ्त में राशन दिया है 80 करोड़ लोगों को, साथ ही साथ हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं सोया है। तो इन मुद्दों को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके हैं, अब उन्होंने सांसदों से बात की है, साथ ही साथ ये कहा है कि हम एक पूरा कार्यक्रम चलाएंगे और जो अलग अलग राज्यों में सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में ये जानकारी जाएंगे कि वहां पर कोरोना के मामले कितने हैं, कैसे हैं, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, तमाम जो मुफ्त का राशन है वो लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या वो लोगों तक पहुंच रही है, बीच में कोई भ्रष्ट चीजें तो समझ में नहीं आ रही हैं, ऐसी तमाम बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से की है और कहा है कि इसे सत्य का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यही सच है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में काम कर रही है, बीजेपी का मकसद राजनीति करना नहीं है, बीजेपी का मकसद है कि मानवता की मिसाल पेश की जाए, मानवता को दिखाया जाए, मानवता को दर्शाया जाए। राज्यसभा में मंगलवार को पेगासस जासूसी मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हमला किया जिसके चलते सदन की कार्यवाही को एक बार फिर से दोपहर में 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन को बताया कि सभी नेताओं ने इस पर सहमति जता दी है कि दोपहर 1 बजे से सदन में कोविड से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने पहले कहा था कि विभिन्न मुद्दों पर 15 नोटिस भेजे गए थे जिनमें से कुछ शून्यकाल के लिए थे। वहीं विपक्ष ने संयुक्त रूप से जासूसी के मुद्दे को संसद के दोनों सदनों में उठाने का फैसला किया। साथ ही कांग्रेस ने सोमवार को मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाए, उनके द्वारा ये मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठाया जाएगा। वहीं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार को फोन टैपिंग के मुद्दे पर उच्च सदन में अपना बयान देते हुए भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी मंशा साफ है, विपक्ष लगातार सरकार को इसमें घसीट रहा है। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक संसद की जो कार्रवाई थी पूरी तरह से स्थगित कर दी गई थी, हंगामेदार रहा पूरी तरह से ये सदन दूसरा दिन भी, और उसके बाद कोरोना के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो विपक्ष है वो हंगामेदार यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के मथुरा में उत्तर भारत का पहला गामा विकिरण प्रसंस्करण जीआरपीएफ सुविधा युक्त पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। इस जीआरपीएफ पैक हाउस के जरिए अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील और न्यूजीलैंड में रहने वाले लोग यूपी, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड में उगाए गए आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, बंद गोभी, अदरक, हरी मिर्च, आंवला, कटहल, तमाम जो सब्जियां हैं उसका स्वाद ले सकेंगे। दूसरी तरफ कृषि एवं फल कारोबार से जुड़े हजारों कारोबारी और लाखों किसानों को इस जीआरपीएफ पैक हाउस से फायदा होगा। उनकी उगाए फल, सब्जी और मसाले अब आसानी से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, न्यूजीलैंड सहित दुनिया भर के देशों को भेजे जा सकेंगे। यूपी देश में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर भी राज्य में उत्पादित फल और सब्जियों की 10% से कमी की ही प्रोसेसिंग की जाती है। बड़ी मात्रा में जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थ हर साल बर्बाद हो जाते हैं जिसके चलते किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया जिसके तहत उन्होंने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017 तैयार कराई। प्रदेश सरकार की इस नीति से प्रभावित होकर वर्ष 2018 से अब तक कई करोड़ रुपए की लागत वाले 803 उद्यमों की स्थापना करने में छोटे तथा बड़े निवेशकों ने रुचि दिखाई है। इन निवेशकों ने फल सब्जियां प्रसंस्करण के क्षेत्र में 41 ने, उपभोक्ता उत्पादन के क्षेत्र में 232 ने, खाद्यान्न मिलिंग के क्षेत्र में 300 से ज्यादा ने, हर्बल प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 3 ने, दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में 35 ने, तिलहन प्रसंस्करण के क्षेत्र में 27 ने और दलहन प्रसंस्करण के क्षेत्र में 15 ने, मांस प्रसंस्करण के क्षेत्र में 8 ने और रेफर वैन के क्षेत्र में 10 ने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इन्हीं निवेशकों में एक अभिषेक मिश्र भी थे जिन्होंने सितंबर 2017 में प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का हिस्सा बनाने का फैसला किया।
राजस्थान के जयपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा है कि 75वां स्वाधीनता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ कोरोना महामारी की गाइडलाइंस के पालन करते हुए मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वाधीनता का 75वां दिवस होने से राज्य स्तरीय समारोह काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य देशों में उनके राष्ट्रीय दिवस पर रोशनी को तरजीह दी जाती है, उसी प्रकार स्वाधीनता दिवस पर की जाने वाली रोशनी भी जयपुर शहर की पहचान और आकर्षण का केंद्र बने। आर्य ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वाधीनता समारोह की तैयारी की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि इस वर्ष कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर स्कूली बच्चों के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही समारोह में लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समारोह हर वर्ष की भांति भव्य और हर्षोल्लास के साथ आयोजित होगा और कोरोना गाइडलाइंस की पूर्ण पालन कराया जाएगा। पुलिस विभाग की ओर से डॉग शो का भी आयोजन होगा। बीएसएफ द्वारा मोटरसाइकिल शो का आयोजन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पुलिस, आरएसी एवं होमगार्ड की विभिन्न टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी। सेंट्रल पुलिस और आर्मी बैंड भी प्रदर्शन करता हुआ इस बार नजर आएगा। जयपुर में जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने सोमवार को प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण के लिए शुभ विचार संस्था द्वारा तैयार जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत, शुभ विचार संस्था के संस्थापक जितेंद्र शर्मा, नेहरू युवा केंद्र के महेश शर्मा और मंगलम बिल्डर्स के निदेशक रामबाबू शर्मा भी मौजूद रहे। डॉक्टर कल्ला ने इस मौके पर कहा है कि सभी स्तरों पर वर्षा जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास समय की आवश्यकता है। हम अपने दैनिक जीवन में जल की बचत एवं संरक्षण तथा बूंद बूंद का मित्रता के साथ सदुपयोग करने का संकल्प लेकर अपने आने वाले कल को संवार सकते हैं। उन्होंने शुभ विचार संस्था द्वारा जन जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार की सराहना करते हुए अन्य संस्थाओं से भी ऐसे कार्यों में आगे आने का आह्वान किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा है कि वर्षा जल संरक्षण से भूजल की गुणवत्ता और जल स्तर दोनों में सुधार आता है। ऐसे जल अभियान का लाभ सभी को मिलता है। शुभ विचार के जितेंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा वर्षा जल संरक्षण इकाई निर्माण के लिए विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों, बिल्डर्स और आम लोगों के सहयोग से जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के छोटे भाई विधायक लक्ष्मण सिंह द्वारा पर्यावरण पर लिखी गई किताब का विमोचन करते हुए चुटीले अंदाज में कहा है कि अगर किताब दिग्विजय सिंह पर लिखी गई होती तो सबसे ज्यादा बिकती। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने आवास पर आयोजित समारोह में लक्ष्मण सिंह की पर्यावरण पर लिखी गई किताब का विमोचन किया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कहा कि अगर लक्ष्मण सिंह ने दिग्विजय सिंह पर किताब लिखी होती तो वह सबसे ज्यादा बिकती। देश के पर्यावरण मंत्री की भी भूमिका निभा चुके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, पर्यावरण मेरा पसंदीदा विषय है। मैं खुद पर्यावरण मंत्री रह चुका हूं, इसलिए इसकी अहमियत जानता हूं। राज्य का मुख्यमंत्री रहते अल्प समय में ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर मैंने कई बड़ी योजनाएं बनाई थी जो कारगर साबित हुई थी। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा ने ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों के नामांकन को लेकर स्पष्टता की कमी को लेकर अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA पर निशाना साधा है। 41 वर्षीय बोपन्ना ने कहा है कि भारत के शीर्ष टेनिस संस्था ने उनकी योग्यता को लेकर उन्हें और पूरे देश को गुमराह किया। बोपन्ना ने ट्वीट किया, ITF ने कभी भी सुमित नागल और मेरे लिए एक प्रविष्ट स्वीकार नहीं किया। ITF स्पष्ट था कि नामांकन की समय सीमा में 22 जून के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं थी जब तक कि चोट या बीमारी ना हो। EIT ने खिलाड़ियों, सरकार, मीडिया और बाकी सभी को ये कहकर गुमराह किया और बताया कि AIT ने दिग्विजय शरण का नामांकन वापस लेकर ओलंपिक में पुरुष युगल प्रतियोगिता में बोपन्ना को सुमित नागल के साथ जोड़ा है। AIT ने दोनों की जोड़ी बनाने के बारे में सोचा था क्योंकि नागल पहले ही एकल स्पर्धा के लिए क्वालिफाई कर चुके थे और टोक्यो के लिए बाध्य थे। हालांकि जैसा कि बोपन्ना ने कहा कि ITF ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया है।
आतंकी हमले होने का लगातार नाटक जो है वो जारी है। इस मामले में दो सुरक्षा गार्ड भी गिरफ्तार हुए हैं। भाजपा के दोनों कार्यकर्ताओं ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने और बड़े नेताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये बड़ा कदम उठाया था। मामला बेहद चर्चा में है। मामले में गार्डों समेत इशफाक अहमद और बशारत अहमद को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि शुक्रवार शाम को दोनों ने दावा किया है कि उन पर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई थी, जिसमें इशफाक अहमद के हाथ में चोट लग गई थी। शुरुआत में पुलिस ने कहा था कि गार्ड से गलती से गोली चल गई, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें लग गई थी, लेकिन आगे की जांच में यह सामने आया कि मामला जानबूझकर कराया गया आतंकी हमला था। आपको बता दें कि इशफाक अहमद बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शफी मीर के बेटे हैं। अब इस मामले में बीजेपी ने मीर, उनके बेटे और बशारत अहमद को लंबित कर दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कुंद्रा के खिलाफ इसी साल फरवरी में पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाने और उसे ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के मामले में केस दर्ज किया था। अब इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामलों को लेकर हमारा कानून काफी सख्त है। इस तरह के मामलों में आईटी एक्ट के साथ साथ आईपीसी की कई धाराएं आरोपी पर लगती हैं। इंटरनेट पर चलन है और आधुनिक तकनीक के विकसित हो जाने के बाद आईटी एक्ट में संशोधन भी किया गया, ताकि आज के समय में इस तरह के मामलों में दोषी पाए जाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता का व्यापार भी खूब फल फूल रहा है। ऐसे में पोर्नोग्राफी एक बड़ा कारोबार बन गया है, जिसके दायरे में ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती है जो यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित है। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के जरिए प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर एंटी पोर्नोग्राफी लॉ लागू होता है। दूसरे के नग्न या अश्लील वीडियो तैयार करने वाले या ऐसा एमएमएस बनाने वाले या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्हें दूसरे तक पहुंचाने वाले और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजने वाले लोग इसी कानून के दायरे में आते हैं। पोर्नोग्राफी प्रकाशित, प्रसारित करना और इलेक्ट्रॉनिक जरिए से दूसरे तक पहुंचाना अवैध है, लेकिन उसे देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं माना जाता है, जबकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना भी अवैध माना जाता है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि राज कुंद्रा को 23 जुलाई के लिए न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।